देवघर रांची सीधी फ्लाइट शुरू, एयरपोर्ट पर हुआ यात्रियों का भव्य स्वागत। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर अब झारखंड की राजधानी रांची से सीधे हवाई मार्ग के जरिए जुड़ चुकी है। आज रांची से देवघर के लिए पहली फ्लाइट इंडिगो की फ्लाइट संख्या 67964 देवघर पहुंची। वहीं यात्रियों ने बताया कि रांची से देवघर का किराया 2255 रुपया है। वहीं देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले फ्लाइट के लैंड करते ही वाटर कैनन सैल्यूट किया गया, जिसके बाद रांची से चलकर देवघर पहुंचे सभी यात्रियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों के द्वारा यात्रियों से केक कटिंग कराया गया। रांची से पहली फ्लाइट के जरिए देवघर पहुंचे यात्रियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देवघर से रांची सीधी फ्लाइट मिल जाने से काफी सुविधा होगी। वहीं आज जिस तरह से 30 से 35 मिनट में रांची से देवघर पहुंचे, यह काफी उत्साहित करने वाला है। जहां एक तरफ ट्रेन से 7 से 8 घंटे का सफर करना पड़ता था, वहीं अब 1 घंटे के भीतर रांची से देवघर पहुंच देवघर एयरपोर्ट। वहीं डायरेक्टर संदीप ढेंगरा ने बताया कि देवघर से लगातार अलग अलग शहर के लिए सीधी फ्लाइट दी जा चुकी है, जिससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो रही है। बताते हैं कि कल रविवार को देवघर एयरपोर्ट से बिहार की राजधानी पटना के लिए फ्लाइट की शुरुआत हुई। वहीं आज से एक और शहर रांची से देवघर हवाई मार्ग के जरिए जुड़ गया। इससे पहले सिर्फ कोलकाता और दिल्ली के लिए देवघर से हवाई सेवा दी जा रही थी, अब 4 शहरों सीधे फ्लाइट हो जाने से यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो रही है। जल्द ही अन्य शहरों के लिए भी यहाँ से सीधी फ्लाइट दिए जाने की सूचना है। पहला फ्लाइट जो देवघर के लिए आया उस पे आप सवार थी, कितनी खुशी लग रही है, अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव बहुत ही अच्छा था, थोड़ा टर्बुलेंस हुआ था मगर पायलट बहुत ही अच्छे मिले थे हम लोग को। टेक ऑफ लैंडिंग सब अच्छा था, सो हम लोग को बहुत कम्फर्टेबली हम लोग पहुँच गए देवघर। और ये डिस्टेंस जो कम हो गया है, इतना ज़्यादा टाइम इतना कम लग रहा है, दैट इज अ बून। केक कटवाना होगा।